वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याठेवाला। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं दो डायनेमिक डुओ सिस्टर्स के साथ, जिनको आपने स्क्रीन पे देखा और उनका काम भी इंतहा पसंद किया। इससे पहले कि शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। जी शर्मीन। आसिम, आज के जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं, वैसे तो दोनों ही बहुत स्पेशल हैं, लेकिन जैसे कि आपने इंट्रो में कहा दोनों बहनें हैं, तो उनमें से जो एक बहन है उनको आप कैसे ट्रैक डाउन करके आए, क्योंकि काफ़ी कम नज़र आती हैं वो टेलीविजन पे। बहुत कम नज़र आती हैं, बिकॉज शी स्टार्टेड हर करियर इन द अर्ली 90s, और 90s में उन्होंने बेतहाशा काम किया इन कमर्शल्स, उनकी मैगजीन्स के कवर्स, फैशन शूट्स, वो बहुत ज़्यादा नज़र आई स्क्रीन पर। उस वक्त बहुत मुश्किलों से इजाज़त मिला करती थी फ्राम द फैमिलीज for girls to come on screen. Absolutely, and I think it won't be an exaggeration के अगर ये कहा जाए कि इनको देखते हुए बहुत सी फिर फैमिलीज ऐसी हैं और मदर्स ऐसी हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को यू नो इनकरेज किया और परमिशन दी, क्योंकि वो उनको देख के लगता है कि यू नो शी इज सच अ स्वीट हार्ट, शी लुक्स लाइक अ डॉल, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया लड़कियों को ऑन आवर टेलीविजन। बिल्कुल, और उसके बाद आजकल शी इज बिकम अ फूड ब्लॉगर, वो उनको कुकिंग का शौक था, उनका पेज इंस्टाग्राम पे बहुत मशहूर है, लोग फॉलो करते हैं उनसे रेसिपीज़ की, उनकी डिफरेंट वो केटरिंग करती हैं इन चित्राल, और उनकी जो यंगर सिस्टर हैं She's truly talented. She's a VJ. She's a host. She's a red carpet host. मुख्तलिफ चैनल्स पे आपने देखा, रेडियो पे उनका शो आता है. She has been a morning show host also. तो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड फैमिली है. मल्टी वर्सेटाइल. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो जिनकी हम जो बड़ी बहन हैं जिनकी बात कर रहे थे, तो कितना मुश्किल हुआ उनको ट्रैक डाउन करना और उनको फिर इस तरह से शो पे लेकर आना? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर यू टू वर्क दिस आउट? एक्चुअली उतना टाइम नहीं लगा, असल में हमारी डेट्स मैच नहीं कर रही थी, बिकॉज शी लिव्स इन लाहौर और मैं काफ़ी अरसे से उनके साथ इन टच था ऑन इंस्टाग्राम। कासिम की उनके साथ बहुत दोस्ती है, बिकॉज दे बोथ आर इन लाहौर। फिर पोलो का एक बैकग्राउंड है, जैसे शी इज़ फॉन्ड ऑफ पोलो मैचेज, वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है। तो ऑन एंड ऑफ मैं हमेशा जब पिक्चर्स में देखता था दैट शी इज़ इन कराची, मगर उन दिनों हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो अब इस दफ़ा ये फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि शी इज़ इन कराची और हमारी डेट्स आ गई, तो मैंने फौरन ये अपॉर्चुनिटी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे कि आप कह रहे थे कि अपना फूड ब्लॉग चलाती हैं, तो आपने कितनी रेसिपीज उनकी फॉलो की हैं और अब तक खाने बनाए घर में? मैंने देखने में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी जो रेसिपीज़ हैं, पर आपको पता है मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक़ नहीं, मुझे आती नहीं है। बट ये है कि जो विजुअली वो बनाती हैं, जो उनके पास्ताज हैं, फिर जो देसी बनाती हैं, देन चाइनीज़, इटालियन, तो वो देखने पे एक इंसान को होता है ना कि एक बड़ी फीस्ट नजर आ रही होती है आपको। बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर बुला लिया जाए? ऑफ कोर्स। सो लेट्स इनवाइट द ट्रूली टैलेंटेड नताशा कजलबाश एंड द ब्यूटीफुल अनुशे अशरफ। Finally, Nat, you are here on my show. Yes, I am. कितने अरसे से प्लान कर रहे थे? Thank you. I think it's been 3 years now. जी बिल्कुल। हमारी डेट्स मैच नहीं हो रही थी। Once एक दफा हुआ, then I got unwell. Oh goodness. Yes, I remember that. Then I texted you कि भाई मैं नहीं आ रहा। और उसके बाद फिर एक दफा then she had to fly back to Lahore. अभी इस दफा भी क्या हुआ कि Insta पे मैंने pictures देखी, मैंने कहा she's in Karachi. मैंने फौरन मैसेज किया, मैंने कहा आर यू इन कराची, व्हेन आर यू लीविंग? आई थिंक आई एम लीविंग ऑन द फर्स्ट। मैंने कहा एक दिन रुक जाओ। ओह, सो यू स्टेड बैक फॉर द शो? मैं रुक गई बिकॉज़ दिस हैड टू हैपन। यस, हर चीज का टाइम होता है, सो नाउ दिस वाज द राइट टाइम। अच्छा, तो नताशा, जब आपने मॉडलिंग स्टार्ट की उस वक्त इतना आसान नहीं था लड़कियों के लिए पाकिस्तान में मॉडलिंग फील्ड में आना, तो कैसे आपने ये डिसाइड किया? वाज इट समथिंग दैट यू रियली रियली वांटेड टू डू, समथिंग दैट यू वर रियली पैशनेट अबाउट? किस तरह से, एंड देन डिड इट टेक अ लॉट फॉर यू टू कन्विंस योर फैमिली कि मुझे ये मॉडलिंग करनी है, प्लीज़ गिव मी द परमिशन, या फिर स्मूथ सेलिंग थी सारी आपके लिए? ओके, टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, कोई पैशन नहीं था। ओके, मैं बहुत छोटी थी और आई हैड गॉन टू अ शेरिटन
उस जमाने में दे यूज्ड टू बी शेरिटन एंड दे हैड द 10th एनिवर्सरी एंड आई वाज डूइंग सम स्किट एंड देयर अ फोटोग्राफर सॉ मी नदीम खान एंड ही अप्रोच्ड मी सो आई सेड माय मदर विल नेवर अलाउ मी सो व्हेन आई वेंट बैक होम आई आस्क्ड माय मदर शी सेड हां कर लो देन आफ्टर दैट आई डिड दैट एट दैट शो शोएब मंसूर एंड जुनैद जमशेद सॉ मी एंड दे अप्रोच्ड मी एंड सेड वुड यू लाइक टू डू समथिंग फॉर पीटीवी And I said, my mother will never allow me. And I went home and I asked my mother, and she said, "Kar lo." Oh wow, very progressive. So I was like, okay. So that's how it started. But passion, कोई नहीं था. Passion इनका था. अच्छा. हाँ, वो तो influence हो गई ना बड़ी बहन से. She wanted to be a news reporter for PTV or something. Okay. She wanted to be this big news international later on. Okay. हाँ. So was it that you were inspired by your elder sister, या फिर आपको लगता है कि आप ये वैसे ही करती हैं regardless of whether she had done what she had done? She used to watch a lot of documentaries. I remember. वो तो मुझे नहीं पता कि if I would have done this irrespective and definitely was inspired by my elder sister. I'm still inspired by her, but it was also like luck. I think because again with me also it was like I went into the news department and then Ghazanfar Ali bless him may God give him a long life so it was him who actually saw me so by chance it happened that I followed in her footsteps but us waqt koi aisa solid plan nahi tha but I think he had an eye and he could see people ke isme kuch hai to dalo usko yahan so I think it was his doing for all it was 100% his doing हाँ बट देखो कितनी अच्छी बात है कि एक टैलेंट हंटिंग होती है एक आय होती है इंसान की उसे फिर आपको अब तो बहुत इजी हो गया यू नो दीज डेज यू मेक अ वीडियो फ्रॉम योर फोन यू पुट इट ऑन योर इंस्टा लोगों को कहीं कोई टैलेंट चाहिए होता है ये तो प्लान बना कर आई थी यहाँ के मैं डांस करूंगी इंशाल्लाह वो वायरल हो जाएगा क्योंकि हम तो मेहनत ही कर रहे कोई कुछ चीज वायरल नहीं होती वायरल नहीं होती मैंने रोज मेहनत करनी पड़ती है वायरल आपकी तो ऐसा तो नहीं है प्लीज यू जस्ट बीइंग टू मॉडेस्ट राइट नाउ और दूसरी बात ये कि नेट की जो कुकिंग है आपका जो पेज है मतलब इतने लोग फॉलो करते हैं और मैं भी फॉलो करता हूँ बाय द वे और उसमें जो मैंने पूछा कि फॉलो तो आप करते हैं लेकिन कितनी रेसिपीज आपने अपने घर में ट्राई की I can cook it one day for you, but the thing is that I hope PTV देख के लोग मुझे और follow करें। हाँ, नहीं बिल्कुल करेंगे। और उसमें जो feedback मिलता है, उसके बाद कैसा लगता है? Because you post your feedback और ये पता है लोगों को schooling भी कर रही होती है ना? ये उनको बता रही होती है कोई अगर बदतमीजी से बात करे, इसने मैंने वो भी पढ़ा। Live public service, school teacher भी हैं chef के साथ। Chef के साथ वो social work भी कर रहे हैं। Can I please tell you? I'm going to use this opportunity to say. Please use the word please and please use the word thank you क्योंकि वो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा That's true. Basics in life. School में पढ़ाना चाहिए. Please may I have the water? Please can you tell me the price of the outfit? You cannot write to people and say price, Question location. I'm not Google. I agree. I think you know when you put pictures up and they're like price. Can you give recipe again? Hi Nat, really like what you made the other day. If it's not too much of a problem, can you share that recipe one more time in detail? उन्होंने मुझे एक दो messages दिखाई. Can't find recipe, please send link. Hi Allah. मतलब ठीक है भाई. हमारी अम्मा भी हमसे ऐसी बातें नहीं करती. अच्छा. Please. अच्छा तो फिर ये live videos जब कभी आपके चल रहे होते हैं तो उसमें ये भी सब साथ साथ चल रहा होता है. I've been very lucky कि मेरे साथ अभी तक वो हुआ नहीं है because my followers are a little different. They really all foodies. They're just people sitting at home wanting to learn a new recipe. I have that kind of following up to now, because shayad meri umar ki wajah se. But I have noticed the younger people over here really get a lot of bad comments and. आप videos बना रही होती हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि ये video बनाती कैसे ना? क्योंकि एक हाथ से पूरी cooking recipe उधर से वो पूरा pan के shots. एक हाथ यूँ होता है. ऐसे हो रहा होता है. Tripod वगैरह भी एक नाम की कुछ होती है. When she went to New York to her sisters. वहाँ पे भी ये बना रही थी और वहाँ पे भी इसी तरह ना चीजें और वो कर रही है एक हाथ से उधर और ये भी हो रहा होता है अनुष्का हाय गाइस पुट सम सॉल्ट इन इट नाउ एंड सम टर्मरिक लेट इट सिज़ल और फिर वो मन करके कहती ओके नाउ यू कैन टॉक एवरीबॉडी हैज अ टेलीविजन वॉइस एवरीवन हैज अ सोशल मीडिया वॉइस मैं इनके बारे में भी बता सकती हूं हाय गाइस आई एम अनुषे एंड क्या कर रही हैं आप आपको बिजनेस में यहां पे भी आके मैं एवरीबॉडी हैज अ सोशल मीडिया वॉइस एग्री दैट्स हाउ एंड व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू या अगर आपके व्यूअर्स ये एंजॉय कर रहे हैं तो देन व्हाई नॉट बट गुड कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट देखिए भाई लोग देख रहे हैं मैं ऐसे कुक कर रही हूं बिल्कुल
बिल्कुल एग्जैक्टली कौन है कुछ कहने वाले, क्या जरूरत है कुछ और करने की। चलें जी, वी विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक इन कन्वर्सेशन विद टू टैलेंटेड लेडीज अनुशी एंड नताशा। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ट्रांजिशन वॉज इजी बिकॉज मुझे मॉडलिंग का शौक वैसे ही नहीं था उस वक्त। अब जाके आई एम मोर कंफर्टेबल। ओके, उस जमाने में मुझे बहुत शर्म आती थी। एक दिन हम कहीं समंदर के किनारे गए हुए थे तो हमने कुछ एक आध ऐसी चीजें पहनी थी, अब्बा भी साथ थे। हाँ। तो हमने अपनी कोई शर्ट पैंट्स वगैरह पहने हुए थे तो अब्बा के साथ मैंने कस्सी डाल दी तो किसी ने नीचे देखा, अच्छा अच्छा तो जब बाप ऐसे ऐसे बच्चों का याद है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले और ब्रेक के दौरान भी हमारी बातें चल रही थी और हमारे साथ हैं अनुशे अशरफ एंड नताशा कजलबाज। अच्छा अनुशे, आपसे तो आज थोड़ी कम ही बातें होंगी क्योंकि जब मेरी इतनी पुरानी दोस्त जिनका मैं फैन भी हूँ वो आई हुई हैं तो मेरे पास बातें करने को बहुत है। आप उधर आ जाओ, मुलाकात तो बहुत अरसे बाद हुई, हमारी कम्युनिकेशन बहुत अरसे से चल रही थी। तो बेसिकली यू टेलिंग मी कि मैं चुप करके साइड पे बैठूं? नहीं नहीं, आप ना बैठो। 90s में आपने अपना करियर शुरू किया एज अ मॉडल और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैगजीन्स के कवर्स थे, कमर्शियल्स थे, कोई ऐसा कमर्शियल नहीं था जिसमें नताशा नहीं होती थी। उसके बाद फिर इन्होंने एक सीरियल भी किया क्वेटा जाके, म्यूजिकल वीडियोस जो कि सबसे ज़्यादा रजिस्टर हुई। खैर कमर्शियल्स में ये होता है कि पता नहीं होता कि नाम क्या है इस मॉडल का क्योंकि उस वक्त चैनल एक ही था जी। तो धड़ाधड़ आपके इश्तहार चल रहे होते थे और उसके बाद जब वीडियो आया उसमें पता चला ये मॉडल कौन थी, नताशा है। आपका जो ट्रांजिशन है फ्रॉम अ मॉडल टू अ हाउसवाइफ देन टू अ मॉम और उसके बाद अ फूड ब्लॉगर, तो ये कैसा रहा आपके सारे? नानी नहीं बनी अब जी, मेरी उम्र नहीं हुई। सो आई वाज ऑलवेज वर्किंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड एंड हैविंग चिल्ड्रन बिकॉज आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के औरतों को शादी करके, चलो आई डिडंट मॉडल एनीमोर बट आई डिड समथिंग ऑन द अदर। ओके, आई वर्कड फॉर इंडस। ओके, एंड देन आई डिड सम अदर थिंग्स। द ट्रांजिशन वाज इजी बिकॉज मुझे मॉडलिंग का शौक वैसे ही नहीं था उस वक्त। अब जाके आई एम मोर कंफर्टेबल। ओके, उस जमाने में मुझे बहुत शर्म आती थी, यू नो, कैमरा और लाइटें। आई कुड नॉट, आई डिड 60 कमर्शियल्स बट एवरी कमर्शियल पीपल हैड टू लीव द रूम बिकॉज आई यूज्ड टू गेट नर्वस कि प्लीज मुझसे हो नहीं रहा है, सब कमरा छोड़ दें। Oh. और आज इतने लोग बैठे हुए हैं और मैं फिर भी बात कर रही हूँ। सो थिंग्स चेंज, यू गेट मोर कॉन्फिडेंस एज यू ग्रो अप। यू शुड, वी ऑल नो दैट, वी बिकम मोर कॉन्फिडेंट व्हेन यू ग्रो अप। एब्सोल्युटली, बट फ्रॉम व्हाट आई नो यू स्टार्टेड वेरी वेरी यंग, बट देन यू लेफ्ट, यू स्टॉप्ड वर्किंग वेरी यंग, 3 years or 2 years ऑफ स्टार्टिंग। सो यू आर सेइंग इन द स्पैन ऑफ दोस 3 years यू मैनेज्ड टू डू 60 कमर्शियल्स? नॉट ओनली दैट, आई डिड अदर स्टफ अलोंग विद इट, बट आई डिड 60 कमर्शियल्स इन नॉट इवन 2.5 years। Wow. I was very, वो सही कह रहे थे। I'm not का record है। मतलब कितना काम किया दिन रात? Yeah, I worked a lot. बहुत ज़्यादा काम था। अच्छा जी, अब आपको थोड़ा सा हम आपकी memory down the lane लेकर जाएंगे और कुछ यादों के दरीचों में जाकर आपको कुछ videos दिखाएंगे जिससे कुछ अजीब अजीब तस्वीरें तो नहीं? नहीं, तस्वीरें नहीं है अभी, आइए ही देखते। गोरे रंग का नजारा लग सबको ही प्यारा, जरा कर दो इशारा गोरी ये, ओ डर तुझ किसका है, तेरा तो रंग गोरा है। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझ किसका है।
अच्छा अनुष्का की कितनी शक्ल मिलती है बहुत ज्यादा ये इस वीडियो वाली में है ना लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू वेल आई ऑलवेज होप्ड कि मुझे कोई बोले क्योंकि माय डॉटर एक्चुअली लुक्स लाइक माय हस्बैंड नहीं बट अगर लोग कह रहे हैं कि दोनों इनको लगता है तो फिर एक प्यार बहुत है मेरे लिए और मुझे भी बचपन से देख रहे हैं तो शायद दे सी दैट नो बट यू आल्सो लाइक पेटीट एंड हां वेरी पेटीट एंड छोटा लाइक टेक से यू नो एक टाइम अभी अगर ये वीडियोस ऐसी निकलती तो लोग कहते हैं कि तू बच्चे को ले लिया है चाइल्ड लेबर हो रही है या बट आई वाज चाइल्ड 17 18 लाइक अ लिटिल डॉल लुक लाइक अ 15 ईयर ओल्ड इन माय वीडियोस बट आई थिंक जब आप इतना टीवी आई और ढाई साल इतना रेगुलरली आई तो लोग काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे ऐसे भी लोग जो नहीं यूजली परमिशन देते होंगे उन्होंने भी अपनी बेटियों को फिर परमिशन दी होगी आपके पास कभी कोई आई कि ओ माय गॉड इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट आई वाज एबल टू फॉलो माय ड्रीम आर स्पॉट ऑन व्हाट अ ग्रेट पॉइंट बिकॉज यस अ लॉट ऑफ पीपल केम एंड दे सॉ बट मोर देन मी दे केम ऑन द फ्रंट आफ्टर सीइंग हर more than me wow. because mere zamane mein chalo tha huh. people used to come to me at stadiums planes airports restaurants huh. and they'd be like ye jo zalim nazron mein aapne pehna hua hai maine apni beti ke liye silwaya wo bhi bilkul aapki tarah banna chahti but mujhe itna pata nahi chalta tha because we didn't have that media when she came on the scene she inspired a lot more people with her outspoken honest she was the first pakistani female DJ yes weren't you अनुषे ने बहुत काम साथ किया है हमारे इवेंट्स होते थे उसमें रेड कार्पेटिंग के लिए देन प्रिंस चार्ल्स नाउ किंग वो ही केम टू पाकिस्तान मेरी तस्वीर है मैंने भेजी आपको के साथ मेरे पास नहीं है और मेरा अबू कहते रहते हैं निकलवा मैं आपको हाँ, अब तो उसमें शी केम मैंने इसको इस्लामाबाद बुलवाया हाँ उसकी वो पिक्चर्स हैं शेकिंग हैंड विद प्रिंस चार्ल्स और फिर एक हमारा पूरा ग्रुप पिक्चर है और फिर नेट के बारे में तो पोलो ग्राउंड में मुझे पता चलता रहता है व्हेन सना गोस कासिम जाता है इवन नाउ माय सन इन लॉ अमल माय डॉटर वो जब जाते हैं वो कहते हैं आपकी फिल्म को हम देखते हैं अच्छा अनुषा जैसे हम ब्रेक में देख थे यू आर बिजी विद योर वीडियोस के टिकटॉक के लिए और ये तो जहाँ आप सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस होती है वहाँ पे ट्रोलिंग भी होती है ऐसा नहीं होता कि ना हो डज दैट एवर गेट यू डाउन कि क्या है छोड़ो खामोशी में इतनी नेगेटिविटी इतनी नेगेटिविटी हाउ डू यू डील विद इट डू यू जस्ट इग्नोर देम कीप लाफिंग बिकॉज़ हमें तो मजा आता है एक दिन हम कहीं समंदर के किनारे गए हुए थे तो हमने कुछ एकादशी चीज़ें पहनी थी अब्बा भी साथ थे तो हमने अपनी कोई शर्ट पैंट्स वगैरह पहने हुए थे तो अब्बा के साथ मैंने एक तस्वीर डाल दी तो किसी ने नीचे देखा अच्छा अच्छा तो जब बाप ऐसे ऐसे बच्चों का यार है तो मेरे अब्बा और मैं इतना हंसे तो आपको भी बदनाम करती हूँ यू नो यूजुअली लोग अपसेट हो जाते हैं कि बाप के बारे में माँ के बारे में माई फादर एंड आई हैव सच अ लाफ ही इज लाइक तुम लोगों ने मुझे ही बदनाम कर दिया सर आपने हमें बदनाम कर दिया सो आई थिंक वी ऑल टेक इट हंसी मजाक में लेकिन अगर कभी कोई कुछ कह देता है थोड़ा बहुत तो मैं कभी कभी उनको रिप्लाई भी कर देती हूँ मज़े में और अब तो कोई शर्म नहीं आती क्योंकि सोशल मीडिया हमारा डोमेन बन गया है नाउ वी फील लाइक वी हैव कंट्रोल सो बदतमीजी भी जायज़ है तो कोई कहता ना यू लुकिंग अगली मैं कहती हूँ कि चलो शक्ल दिखाने की तो लायक हो तुम तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रहे समटाइम्स आई थिंक ये जो लोग इस तरह लिखते हैं वो रियल नहीं हो सकते आप अपने घर में बॉस से तो है मैं सिर्फ शौक में हूं कि ये रियल कैसे हो सकते हैं बट दिस इज नॉट बॉस बेचारे क्यों समझे होंगे बॉट्स हैव नथिंग टू डू बॉट्स आर सेइंग कि हाउ कैन पीपल बी सो हाउ कैन यू बी सो इनह्यूमन कम है अल्हम्दुलिल्लाह Also because they see कि जब आपको वाकई में फर्क नहीं पड़ता तो वो भी थक जाते हैं आपके साथ because आपको कितनी दफा बोलेंगे तो वो भी थक जाते हैं then वो दो चार रह जाते हैं you beautiful you're amazing हमने किया love you too sweetie pin your comment you know and then it's okay चलें जी we'll take our next break in conversation with two divas we'll take a short break और break के बाद वापस They're okay. only allowed to brush their hair okay. by the river. Okay. So he didn't let me do that. He made me do everything the Kalasha people were doing. और जब मैं उनके साथ comfortable हुई, तो फिर उन्होंने कहा अब shoot start करो. 6 दिन का shoot था. 3 साल पहले जब लोग कहते थे अनुषा बहुत अच्छी एक DJ हैं, RJ हैं, influencer हैं, तो मुझे हंसी आती थी. Influencer क्या होता है? But now influencer is a job description. Of course. सजी है कहकशां सितारों का जहां
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है अनुशे और नैट के साथ जी. तो ब्रेक से पहले हमने आपकी दो वीडियोस देखी, व्हाट फैबुलस वीडियोस. उसके बारे में आप मुझे ब्रेक में जो बता रही थी वो प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें. शोएब साहब बहुत ही पर्टिकुलर डायरेक्टर थे और शोएब मंसूर साहब जी. शोएब मंसूर साहब एंड व्हेन ही टुक मी टू चित्राल, हम कैलाश गए, कैलाश वैली, बहुत सालों पहले, 30 इयर्स बाय द वे. एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि 3 दिन तुम इनके साथ, कैलाशा ट्राइब के साथ गुजारोगी और जब कम्फर्टेबल हो जाओगी फिर हम शूट करेंगे. तो इन 3 दिनों में मैंने अपने बाल भी नहीं खोले, यू नो जो बाल बनाते हैं, आपने वीडियो में भी देखा, क्योंकि उनको इजाजत नहीं है घरों में बाल खोलना. दे हैव टू गो बाय द रिवर, दे आर ओनली अलाउड टू ब्रश देयर हेयर बाय द रिवर. सो ही डिडंट लेट मी डू दैट, ही मेड मी डू एवरीथिंग द कैलाशा पीपल वर डूइंग. और जब मैं उनके साथ कंफर्टेबल हुई तो फिर उन्होंने कहा अब शूट स्टार्ट करो. 6 दिन का शूट था एंड सो मेटिक्युलस, अहेड ऑफ हिज टाइम, one of the greatest directors of Pakistan, of course, so particular. So if you look at the video and if you think, if you don't know it's me, aapko lagega ki ye Kailashi girl hai, bilkul Kailashi girl hai, yani bilkul fabulous for Shoaib saab. Yeah, he's favorite. Amazing, the best. Chaliye, ab music ki baat ho rahi hai to hamare show ka ek bahut important element hota hai music. Aur aaj jab meri itni khaas dost, khaas guest the, to humne Pakistan ke bahut hi mayanaz singer, पाकिस्तानी लेजेंडरी आइकॉनिक आर्टिस्ट मोहम्मद अली शेखी साहब को इनवाइट किया है और वो अपना एक नया सॉन्ग जो उन्होंने अभी लेटेस्ट कंपोज किया और अभी वो रिलीज नहीं हुआ, आज हमारे शो पे वो रिलीज कर रहे हैं. सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक मोहम्मद अली शेखी. एहसास उसको आज भी मेरा जरा नहीं, एहसास उसको आज भी मेरा जरा को आज भी मेरा जरा गलत है रानिया, माना खता हुई, माना गलत है रानिया, माना खता हुई, वादा करो कि तुम कोई दोगे सजा सांस उसको आज भी
मेरा जरा उसको आज भी मेरा जरा वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक से पहले व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद अली शेख वेरी वेरी नाइस बहुत अमेजिंग कंपोजिशन वेरी मेलोडियस और बड़ी डीप थॉट्स के उसके लिरिक्स थे बहुत अच्छे वेरी नाइसली रिटन वेरी नाइसली कंपोज्ड वेरी नाइस ट्यून वाज वेरी गुड टू बहुत अच्छी कंपोजिशन एंड ऑब्वियसली वेरी नाइस अच्छा जी अब जो हमारा सेगमेंट है अबाउट सोशल मीडिया ओके कितनी एक्टिव हैं और आपको क्या लगता है कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जो है आजकल कितना जरूरी है You know, to be able to get work. तो मेरा तो काफ़ी काम है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा लेकिन मैं सोशल मीडिया को डिफेंड एक तरीके से करती हूँ हमेशा कि इफ़ यू गरा रेट एंड इफ़ यू एंजॉय इट डू इट सोशल मीडिया आपकी ऑथेंटिसिटी भी बहुत चलता है आई थिंक सो इवन से समबडी लाइक किम कार्डशियन हु हैज 200 मिलियन फॉलोअर्स शी इज़ ऑथेंटिक टू वॉट शी इज़ डूइंग एंड शी इज़ सो गुड एट व्हाटएवर इट इज़ दैट शी इज़ डूइंग दैट इट वर्क्स सो यू गॉट टू बिलीव इन द प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग ऑन सोशल मीडिया सो फॉर मी इफ आई डू माई मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ अगर मैं ट्रैवल की बात करूँ अगर मैं एनिमल वेलफेयर के बारे में बात करूँ एनवायरमेंट के बारे में मेंटल हेल्थ के बारे में अगर दिल से बात करते हो तो सोशल मीडिया गेट्स यू दैट रिस्पॉन्स और मैं देखता हूँ कि योर स्टोरीज यू आर वेरी वोकल अबाउट सोशल इश्यूज मतलब किसी के साथ ज्यादती हो रही है कुछ हो रहा है देयर और शी विल ऑलवेज राइट अबाउट इट क्योंकि बहुत अच्छी बात है अक्सर दूसरे पेजेस में भी अगर कोई ऐसी पोस्ट लगी हुई होती ना आई सी अनुशेज कमेंट मुझे पता नहीं क्या होता मेरे अंदर का यू हैव टू पॉलिटिशियन जाग जाता है पर मैं अंदर हां नहीं पर बहुत अच्छा और आपका जो फूड ब्लॉगर है वो तो इंस्टाग्राम पे जब आपने शुरू किया उसके बाद मैंने आई हैव लिटरली सीन इट फ्रॉम लाइक 100 फॉलोअर्स तो अब इतने 1000 फॉलोअर्स हैं इनके तो वो आहिस्ता आहिस्ता और उसमें मैं इतना एंजॉय करता था यू नो व्हेन शी इज कुकिंग एक एक इंग्रेडिएंट्स पहले सारा होमवर्क करके मुझे पता है ना कि इस तरह थोड़ी होता है घरों में कि पहले सारे इंग्रेडिएंट्स ये अच्छी सी उसमें डिटेल में पहले रख के फिर पूरा किचन में साफ करते पार्टी करते हैं तीनों उसमें सिर्फ इस मार्केट कुक के डिशेस बनाएंगे उनके इंस्ट्रक्शन साउंड्स इज गुड आइडिया ना देखे तो कि जो लोग नहीं कुक करते वो बनाते तो बनता क्या है नाइट के किचन का तो जो हाल होता है जो हमारे घरों में वो इतनी नफीस तरीके से मेरा तो इतना साफ होता है क्योंकि वहाँ कुछ पकता ही नहीं मेरा किचन बहुत साफ है ये ना मेरा भी किचन बहुत साफ है बहुत साफ बिकॉज आई यू कुक योरसेल्फ आई कुक मायसेल्फ इतना बड़ा आलू को डालेंगे आप डेगची में इतने छोटे आलू के साथ तो एक पक जाएगा एक नहीं जो हमारा टीवी था उसमें हमें बड़ी प्रोग्रेसिव वे में दिखाई जाती थी यू नो इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर मैंने धूप किनारे का रीयूनियन किया डॉक्टर जोया कैरेक्टर जो था शहनाज शेख के कैरेक्टर अनकही तनहाइयां टीवी पे न्यूज़कास्टर्स नहीं रिमेंबर हां इशरत फातिमा वेल स्पोकन शाइस्ता ज़ैद आई यूज्ड टू लव हर यू नो सच ए प्रोग्रेसिव वुमन आजकल का जो ड्रामा दिखाया जा रहा है उसमें तो रोती धोती जुल्म खा रही थप्पड़ खा रही है बिल्कुल उल्टा चल रहा है बट आजकल होना नहीं चाहिए विद द सोशल मीडिया सो ओपन औरतें घर से पैसे बना रही हैं कमा रही हैं पता नहीं ये चैनल्स वाले शायद ये ज्यादा एग्जैजरेटेड दिखाते हैं कि इनकी रेटिंग्स आती हैं जब दिखाते हैं कि औरत पे जुल्म हो रहा है तो शायद उनके व्यूज ज्यादा होते हैं मे बी दैट इज द सिचुएशन इज बट जो कोई हमें सुन रहा है इस वक्त प्लीज हमें बताएं ऐसा क्यों दिखा रहे हैं पीपल लाइक सीइंग मिजरेबल वुमेन आई हेट सेइंग दिस लेकिन लोगों को औरतों को तकलीफ में देख के ना दूसरे लोग इंटरेस्ट बढ़ता है उनका या तो इंटरेस्ट बढ़ता है किसी के घर में भी अगर कुछ चल रहा हो मे बी दे कैन रिलेट आपको इंटरेस्ट तब होता है जब वो मिजरेबल होते हैं जब वो खुश होते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं होता आपको लोगों की मिजरी में इंटरेस्ट होता है आई थिंक कि क्या हुआ उसकी डिवोर्स वो क्या हुआ उसका हस्बैंड वो क्या हुआ उसकी बेटी अच्छा सम ऑफ देम कैन रिलेट टू इट टू अ पॉइंट
किसी ना किसी के साथ कुछ तो हुआ है. आई एम नॉट द ओनली वन हु इज सफरिंग. चलो यू नीड टू स्टॉप दैट नैरेटिव. यू नीड टू स्टॉप. यू नीड टू स्टार्ट शोइंग प्रोग्रेसिव वुमेन. यस. सो दैट द मेन हु आर वाचिंग दीस ड्रामास उनको भी लगे कि हमारी औरतें भी प्रोग्रेसिव हैं. प्रोग्रेसिव हैं बिल्कुल. अच्छा जी ये हमारा सेगमेंट इट्स अबाउट सोशल मीडिया. व्हाट वी हैव डन इज कि हम आपके दोनों के सोशल मीडिया पे गए हैं. हमने वहाँ से कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट की हैं कि आपने उसके बारे में हमें बताना है. ये कहाँ की पिक्चर है, क्या था उसकी, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड. ओके, आई हैव माय कैमरा रेडी. सजी है कहकशां सितारों का जहां. जब वो कराची आई थी 2 साल पहले अपने बच्चों के साथ. एंड उसका हस्बैंड वाज इन न्यूयॉर्क एंड नताशा का सन इज इन कॉलेज इन द यूएस. बाकी हम सब हैं. इमीडिएट फैमिली इज ऑल हियर इंक्लूडिंग आवर लिटिल पपी हु पास्ड अवे अर्लियर. पपी क्या, शी वाज 17 इयर्स ओल्ड माशाल्लाह. बट माय मदर्स फेवरेट. दिस इज माय लव फॉर एनिमल्स. और ये मैं एक स्टेपल पिक्चर है जो मैं हर बकरा ईद पे इस्तेमाल करती हूँ. और हाउ टू बी काइंड टू एनिमल्स बिफोर सैक्रिफाइसिंग देम. दिस इज आई वेंट टू इराक सामरा. सो दिस वाज 2 years ago फॉर ज़ियारत. ओके हाउ वंडरफुल. टू इराक. ओह माय गुडनेस, दिस इज इजिप्ट. दिस इज माउंट सिनाई एक्चुअली, जहाँ पे हज़रत मूसा जब 10 commandments लेकर आए थे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इस्लाम दैट पार्ट. तो यू कैन गो अराउंड in the desert. Okay. Right by Mount Sinai. So historically wow. very relevant. Wow, amazing pictures, Anushi. Yeah, she's very well traveled. Very well traveled. Yeah. I really enjoy your stories you. When you travel. अच्छा जी ताशा की दिखाइए please. Oh my God, what is this? Miss Choti ki Zubaan. That's my daughter Anushka and that's me. Okay. And we decided to go eastern and west sarees. This is Chitral and I'm making these salads. These lovely salads that I adore. वैसे बहुत भूख लग रही है. ना हाँ मुझे भी दिखने लग रही है. And what else? Okay. Oh yeah, that's a bowl of chia seeds. Oh no, that's laksa. Can I please make this for you? Hi, sure, please. Okay, I'll make this. Okay, for definitely. I'll make this. Yeah. Okay, and next. This is we do camping, camp cooking. Okay, this is the second kitchen mess, but let me show you the view from where we are cooking. It's fabulous. What is this, Bob? Yeah, I'm making taz kebab. It's an Iranian dish. Wow, amazing. Thank you. So 9,000 feet में मुर्गी को गलाना बहुत मुश्किल है. और आलू को गलाना तो उससे भी ज़्यादा. मुर्गी भी गल जाती है, आलू नहीं गलती. You cannot imagine. I sat there for 2 hours, and I was like 9,000. आलू नहीं गल रहे. You said you're very active on social media. You were telling us about your TikTok also. Yeah. You know, it's all monetized now. Yes. For our youngsters who want to become bloggers or want to get into this, can this be your sole source of income? I mean, can one just? It can, but you have to be very, very dedicated to it. Yeah. It's going to eventually become proper careers. Like YouTubers, Instagrammers, TikTokers are now so much money. Proper career path. Of course. So जब एक जमाने में 3 साल पहले जब लोग कहते थे अनुषा बहुत अच्छी एक वीजे हैं, आरजे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो मुझे हंसी आती थी. इन्फ्लुएंसर क्या होता है? But now influencer is a job description. Of course. And all these people in the Middle East actually, Dubai and yes, इनके एक बहुत बड़ी मार्केट हो गई है. And now it's kind of becoming, ये भी वो हो जाएगा MBSC तरह हो जाएंगे. इतने निकल आएंगे कि जॉब्स नहीं मिलती. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड एट व्हाट यू डू. फिल्टर हो जाते हैं शुरू सब करते हैं और जो अच्छे हैं वो रह जाते हैं और जो बाकी फिल्टर हो जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं. तो आजकल इसका एरा है. तो इट्स लाइक एवरीबॉडी वाज बिकमिंग लाइक एन MBSC. एवरीबॉडी इज डूइंग इट. एवरीवन द गुड विल सरवाइव दो बिकॉज़ इट इज हियर टू स्टे एंड इट्स गोइंग टू बी अ फुल टाइम करियर. ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी हियर. टेलिंग यू विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी. आई थिंक वी नीड टू गो फॉर कॉफी. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी. यस आई डिड. चलिए जी. और ये कैसे हो सकता है कि मेरी खास गेस्ट हो तो इनके लिए मैंने गिफ्ट्स ना लिए हों. मुसर्रत मिसबा की तरफ से ये आपके लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू. Oh, और नताशा, दिस इज फॉर यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. एंड द चॉकलेट एंड द मग इज फॉर नताशा. आई शेयर इट विद यू. नो दैट सनुषा यू एंड आई विल शेयर द चॉकलेट. चलिए थैंक यू सो मच. योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो. आप तो पहले भी आ चुके पर कैसा लगा आपको? इट वाज
वेरी नाइस, ऑलवेज अ प्लेजर, वेरी नाइसली एंड स्मूथली डन. यस, सो हंसी मजाक में पता नहीं चला कि यू नो वक्त निकल गया है. एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. आई लव यू. एंड नताशा, आपको कैसा लगा? आई यू नो आई एम सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. इट वेंट ऑफ विदाउट अ ग्लिच. एवरीथिंग वाज डन इन वन गो. Very well done. Thank you so much. One of my favorite shows on this channel. By the way, I do really look forward to the star-studded interviews of people that you do. नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और मेरे लिए आप भी स्टार हैं. आज स्टार स्टडेड शो है मेरा, ऑफ कोर्स आप सबसे बड़े स्टार. चलिए इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी. आई होप कि आपने भी आज का शो इतना ही इंजॉय किया होगा जितना मैंने और शर्मीन ने. मगर जाने से पहले एक बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस नताशा और अनुषे के लिए. आई वुड लाइक टू इन्वाइट वंस अगेन हमारे आइकॉनिक सिंगर मोहम्मद अली शेखी साहब. वो यहाँ आके परफॉर्म करेंगे एज अ फिनाले. आपसे हम इजाज़त चाहते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी. देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीजन 4 ओनली ऑन PTV होम. और आप इनवाइट करते हैं मोहम्मद अली शेखी. नजर नजर तेरे ही जलवे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे है. नजर नजर तेरे ही जलवे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे. मेरी आंखों में रहे तेरी तस्वीर, मेरे ख्वाबों के लिए किताबीर. हाँ तेरा मेरा साथ न छूटे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे. हाँ तेरा मेरा साथ न छूटे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे. नजर नजर तेरे ही जलवे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे है. नजर नजर तेरे ही जलवे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे. रहूं मैं तेरी मेरी दिल से दिल ऐसे मिले फासले कुछ न रहे. मैं जीऊँ तेरे लिए तुझिए मेरे लिए. हो सांसों में खुशबू जैसे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे. हो सांसों में खुशबू जैसे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे. है नजर नजर तेरे ही जलवे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे. है नजर नजर तेरे ही जलवे है, सुबह सुबह तेरे ही चर्चे. फैशन के है रंग सब है मेरे संग. क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर है.